वेलकम बैक वीयर्स टू द चैनल होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही एक्सट्रीम मज़ेदार सी चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी जो बहुत मज़े की है डिफरेंट इसका मेथड होता है और थोड़े से डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो उसी मेथड से फॉलो करें तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है जिन्होंने ढाबों पे या रेस्टोरेंट्स में शिनवारी कढ़ाई खाई है तो वो इस टेस्ट से वाकिफ़ होंगे उसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं इसके लिए हमने दो कप ऑयल लिया है ऑयल इसमें ज़्यादा ऐड होगा आप आ, बाद में इसको रिमूव भी कर सकते हैं ठीक है अच्छा उसमें हमने वन के जी चिकन ऐड की है चिकन आपने छोटे पीसेस में लेनी है तो ज़्यादा बेस्ट है उसके बाद आपने इसको सेवन टू एट मिनट्स अच्छे से फ़्राई कर लेना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए उसके बाद हम इसमें टू टी स्पून भर के जिंजर गार्लिक के पेस्ट का एड करेंगे और उस पेस्ट के साथ मज़ीद फ़ोर टू फाइव मिनट्स इसको फ़्राई कर लेंगे फ्राई करने से एक तो फ़्लेवर अच्छा आता है और चिकन बहुत जल्दी टूटता नहीं है जब इसके साथ भी हम इसको फ्राई कर लेंगे तो ड्राई मसालों में वन एंड हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है वन टी स्पून रेड चिली क्रश्ड है हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून वाइट जीरा पाउडर है और क्वार्टर टी स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है बस ये चीज़ें इसमें ड्राई मसालों की ऐड होंगी एक इंग्रीडियंट और रह गया है जो हम एंड में ऐड करेंगे तो अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है साथ ही हमने इसमें दो सिर्फ पानी के ऐड कर देने हैं ताकि मसाला नीचे लगे नहीं और हमने इसमें हाफ़ के जी टमेटोज़ इस तरीके से हाफ़ कट करके इसके ऊपर जस्ट हमने ऐड कर देना है इसमें पेस्ट ऐड नहीं होगा इसमें आपने इसी तरीके से टमेटोज़ को ऐड करना है वन के जी चिकन हो तो हाफ़ के जी टमेटोज़ लेने हैं और हमने कवर करके टेन टू फ़िफ्टीन मिनट्स इसको कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पे फ़िफ्टीन मिनट्स बाद देखिए मैंने इसकी लेड हटाई है तो टमाटर इतने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं कि आपको नज़र आ रहा होगा कि छिलका खुद ही ऊपर से रिमूव हो गया उसने स्किन ने टमाटर को छोड़ दिया है अब हमने ईजिली इस तरीके से इसको रिमूव कर लेना है अगर एक दो रह भी जाएं तो कोई बात नहीं है जो बाहर की कढ़ाइयाँ होती हैं वो इसी तरह होती हैं कि थोड़ा सा वो रिमूव कर लेते हैं थोड़ा सा बीच में रह जाता है उसी से इसका मज़े का फ्लेवर बनता है ये देखिए हमने इसको इस तरीके से अलग कर लिया अब हमने स्पून इस से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है स्पून आप देख लें मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ अगर ये स्पून आपके पास मौजूद है तो इसी को यूज़ करें ये कढ़ाई के लिए बेस्ट है अदरवाइज आप कोई भी यूज़ कर लें ठीक है अच्छा अब जब देखें टमाटरों का पानी ड्राई हो गया हमने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भूनना है भूनते वक्त हमने इसमें वन टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर का ऐड करना है ठीक है ये हमने स्टार्ट में ड्राई मसालों के साथ इसलिए ऐड नहीं किया नहीं तो कढ़ाई का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता तो ये हमने इसमें ऐड किया फिर हमने इसको मज़ीद बहुत अच्छे से भून लिया जब अच्छे से चिकन भी डन हो गया भून गई हमारी कढ़ाई तो बस ये फिर रेडी है ऊपर से हमने इसको जूलियन कट में हरी मिर्चों के साथ और अदरक के साथ और धनिए के साथ गार्निश कर लेना है ये तीनों चीज़ें भी मस्ट ऐड कीजिएगा इससे कढ़ाई में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और बस ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर रेडी है शिनवारी कढ़ाई इसी तरीके से बनाई जाती है एक दफ़ा मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लें मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में अल्लाह हाफ़िज